हेलो व्यूवर्स, पद्मा का प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, अब कुछ कुछ हमारे गार्डन में भी ब्लूमिंग होने लगी है, और हालांकि धूप में उतनी तेज़ी नहीं है, लेकिन फिर भी फ्लावर्स ब्लूम करने लगे हैं। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं है, लेकिन सर्दियां जो हैं, देखिए, फ्लावर्स के लिए तो फेमस ही हैं, और लेकिन कुछ फोलिएज प्लांट्स भी हैं जो सर्दियों में ही अपनी खूबसूरती बिखेरते हैं। और आज मैं उसी फोलिएज प्लांट्स पे आपसे बात करूंगी जो हर गार्डनर अपने गार्डन में लगाना पसंद करता है। तो आइए चलते हैं, हम आपको अपने उसी फोलिएज प्लांट के पास ले चलते हैं और उसी के विषय में मैं आज आपसे बात करूँगी। फ्रेंड्स, जिस तरीके से गर्मियों में क्रोटॉन के प्लांट्स बहुत अपनी पत्तियों की खूबसूरती के लिए फेमस होते हैं, उसी तरह से सर्दियों में ये हमारे जो कोलियस के प्लांट्स हैं, ये अपनी पत्तियों की खूबसूरती के लिए बहुत ही फेमस होते हैं। और इसकी असली रंगत, फ्रेंड्स, जो है सर्दियों में ही आपको देखने को मिलेगी इनकी पत्तियों की। ये वैसे तो, फ्रेंड्स, परमानेंट प्लांट है, लेकिन खूबसूरती इनकी, जो इनकी ग्रोथ है, वो आपको सर्दियों में ही देखने को मिलेगी। तो आज मेरे वीडियो का टॉपिक इनकी ग्रोथ के विषय में नहीं है, फ्रेंड्स। मैं केवल इस पे एक ही चीज़ पे बात करूँगी, वो है जो हमारे प्लांट्स की मेन चीज़ होती है, डाइट। हम क्या फर्टिलाइज़र दें जो हमारा ये प्लांट्स खूब अच्छी, इसकी चमकीली पत्तियाँ हों और खूब इसके जो है पत्ते में ग्रोथ भी अच्छी से आए। तो डाइट का तो है ही महत्व, हमारे हर प्लांट्स में डाइट मेन चीज़ होती है, और टिप्स तो हैं ही हैं। तो मैं और टिप्स पे न जाकर केवल इसके डाइट पे बात करूँगी। और मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, और चूंकि ये मॉइस्चर लविंग प्लांट्स है, तो जब वो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दें तो थोड़ी सी मिट्टी इसकी इस तरीके की, फ्रेंड्स, सूखी होनी चाहिए इस तरीके की, तब आप इसमें डालें। और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको दिखा रही हूँ, ये एक गिलास भरा हुआ है, और ये एक गिलास मैं इसे हर हफ्ते में डाल देती हूँ। ये हर हफ्ते में एक, ये मेरा 10 इंच का गमला है, उसमें मैं देती हूँ। और इस तरीके देखिए कितना ये छोटा प्लांट था, कितना अच्छे से इसकी पत्तियों में रंगत आई हुई है, ये देखिए। तो इसे मैंने कैसे तैयार किया और कैसे मैं बनाती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, ये हमने सब सामान निकाल लिया है जो हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए चाहिए। ये सभी चीज़ें बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं, और हम वैसे भी अपने कोलियस को ऑर्गेनिक ही चीज़ें देते हैं। तो ये तो हमारी खाद है, गोबर की पुरानी खाद है। और आपके पास ना पुरानी खाद हो तो आप फिर इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट ले लें, ये खाद ले लें। और उसके बाद थोड़ी सी हमने ये सरसों की खली ले ली है, और चूँकि फोलिएज प्लांट है तो इसके लिए हमें सब नाइट्रोजन रिच चीज़ें चाहिए, तो इसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होती है, इसमें भी होती है। दूसरे, ये हमने 2-3 चम्मच करीब एप्सम सॉल्ट लिया है। एप्सम सॉल्ट जो है वो लीव्स में थोड़ा क्लोरोफिल की प्रोसेस तेज करेगा, तो पत्तियां अच्छे से चमकीली होंगी, वो होंगी। और ये हमने थोड़ा सा 1 चम्मच जो है फंजीसाइड लिया है, चूँकि कोलियस एक मॉइस्चर लविंग प्लांट है, फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा फंगस वगैरह लगने का डर रहता है। सर्दियों में विशेष रूप से धूप वगैरह नहीं निकलती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो थोड़ा सा इसमें हम ये भी डाल लें, फंजीसाइड भी डाल लें। और एक बार आप डाल लें, उसके बाद फिर दोबारा जब आप बनाएं इस फर्टिलाइज़र को, तब आप ना यूज़ करें। एक बार पड़ जाए तो, महीने में एक बार पड़ जाए तो ठीक रहता है। और ये हमने, फ्रेंड्स, सी एब्सट्रैक्ट लिया हुआ है, ये सी वीट का है, ये पाउडर फॉर्म में है। ये आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने ली हैं, और इन सबको जो है हमने मिला करके, ये हमने एक पानी ले रखा है, करीब 6-7 लीटर पानी लिया, उसमें हम इसको सब चीज़ों को डाल देंगे। और डाल करके इसको फिर हम क्या करेंगे, इसको हिला करके ऐसे 5-6 दिन इसको हम फर्मेंट होने देंगे, फ्रेंड्स, भी जिससे हमारी जो सरसों की खली, आप पीस के पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं, वैसे भी डाल सकते हैं। थोड़ा 5-6 दिन में डाल करने से इसे फर्मेंट हो जाएगा, सब चीज़ें अपना असर छोड़ेंगी, तब हम इसको फिर डाइल्यूट करके फिर इसमें हम करीब 8-10 गुना पानी मिला करके बाल्टी में। और ये देखिए मेरा पुराना तैयार रखा हुआ है, ये देखिए, ये मैंने आपको अभी पौधों में डाल के भी दिखाया है,
तो ये वाला इस तरीके से आप बना लें, और इसको भी ढक के रखेंगे, 5-6 दिन बाद ही हमारा रेडी हो जाएगा डालने के लिए। और इसमें चीज़ें ऐसी हैं फ्रेंड्स कि और भी प्लांट्स में डाल सकते हैं, सभी में ज़रूरत है, लेकिन कोलियस में ये बहुत असरदार है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।